Glowing or radiant complexion, Bana, is not an easy thing to achieve for most women in all phases of their lives. आपके इस गोल को अचीव करने में माँ प्रकृति आपकी मदद कर सकती है। वैसे तो मदर नेचर के पास कई सारे ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए अमेजिंगली इफेक्टिव होते हैं, पर आज हम बीट रूट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पावर हाउस है न्यूट्रिएंट्स का, जिसकी कई सारी बेनिफिट्स होती है स्किन के लिए। इस वाइब्रेंट रूट वेजिटेबल को सेंचुरी से यूज किया जाता है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इसकी बेनिफिट्स स्किन केयर के लिए। आज की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कुछ रीजन कि कैसे ये रूट वेजिटेबल हमारे कम्प्लेक्शन को रेडिएंट बनाता है और एक यूथफुल अपीयरेंस देता है। बीटरूट एक सुपर फूड है हमारे स्किन के लिए। बीटरूट में रिच अमाउंट्स की लिटोलेन्स होते हैं। ये एक क्लास ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है जो इसे इसका ये स्ट्राइकिंग पर्पल रेड कलर देते हैं। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स ही हैं जो प्रीमैच्योर एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल्स का रीजन बनते हैं। बीटरूट जूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और हमारे स्किन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से स्किन पे कई सारे स्किन इश्यूज होते हैं जैसे एक्ने, रेडनेस और इरिटेशन। बीटरूट में एक बीटेन नाम का कंपाउंड होता है जो उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स की वजह से जाना जाता है। बीटरूट इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हमारी स्किन को सूद करता है। क्योंकि बीटरूट में विटामिन सी और विटामिन ई होता है तो ये कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करता है जो कि जरूरी होते हैं स्किन की इलास्टिसिटी और फर्मनेस के लिए। कोलेजन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हमारी स्किन को यूथफुल बाउंस और सपलनेस देता है और जिससे फाइन लाइंस और रिंकल्स का दिखना भी कम होता है। बीटरूट एक एक्सेलेंट सोर्स है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन ए, बी और सी का, और कुछ मिनरल्स जैसे आयरन, मैंगनीज और पोटेशियम का। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी स्किन को हाइड्रेट और नरिश करते हैं जिससे हमारी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग लगती है। इतना ही नहीं, बीटरूट के एक्सट्रैक्ट्स हमारी स्किन को यूवी रेज से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं और ओवरऑल स्किन के अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं। इस रेमेडी में हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड जेल। फ्लैक्स सीड्स एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी बेनिफिट से इंटरनेट भरा पड़ा। ये सीड्स हमारी हेल्थ के लिए तो बेनिफिशियल होते ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे स्किन लविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को एनहांस करते हैं। फ्लैक्स सीड्स एक गिफ्ट है नेचर का हमारी स्किन और हमारे हेयर के लिए। इन छोटे से सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं जो हमारी स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाते हैं। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में कई तरह के प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है जैसे एक्ने, एक्जिमा और सोराइसिस। फ्लैक्स सीड्स में अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं तो ये स्किन के मॉइस्चर और हाइड्रेशन लेवल्स को मेंटेन करता है जिससे स्किन सॉफ्ट, सपल और यूथफुल लगती है। फ्लैक्स सीड जेल में लिगनिन्स होते हैं जो फाइटो एस्ट्रोजेंस हैं जिनमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है। ये हमारी स्किन और फेस को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही स्किन पे एजिंग साइंस जैसे रिंकल्स और फाइन लाइंस दिखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि स्किन की इलास्टिसिटी और फर्मनेस को मेंटेन करने के लिए कोलेजन का होना बहुत जरूरी होता है, तो फ्लैक्स सीड्स में विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं कोलेजन प्रोडक्शन। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारी स्किन को यूवी रेडिएशन से बचाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस को भी कम करते हैं। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है कॉर्न स्टार्च। ये बेनिफिशियल होता है एक्ने प्रोन स्किन के लिए क्योंकि ये एक्सेस ऑयल को अब्सॉर्ब कर लेता है स्किन से। कॉर्न स्टार्च हमारी स्किन के पोर से इम्प्योरिटीज जैसे डर्ट, डस्ट और ऑयल को निकाल देता है और आउटब्रेक होने नहीं देता। वैसे कॉर्न स्टार्च को इंस्टेंट लाइटनिंग और स्किन वाइटनिंग के लिए भी यूज किया जाता है। इसमें विटामिन ए और मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन और कैल्शियम जो डार्क और पिगमेंटेशन स्पॉट्स को इरेज करते हैं और स्किन को एक ब्राइटर टोन देते हैं, और कॉर्न स्टार्च का फाइन टेक्सचर परफेक्ट होता है जेंटल एक्सफोलिएशन के लिए। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रोज वाटर। रोज वाटर को स्किन के लिए अमृत माना जाता है। ये हाइड्रेटिंग और सूदिंग होता है स्किन के लिए।
वो सारे लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव है, लेट मी इन्फॉर्म यू कि रोज वाटर आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। रोज वाटर में कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इरिटेटेड स्किन को सूद करके इरिटेशन को कम करती है। रोज वाटर को कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है क्योंकि इसमें एंटी एजिंग इफेक्ट्स होते हैं और ये रिंकल्स के अपीयरेंस को कम कर सकता है। रोज वाटर में पावरफुल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है जो इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। नेक्स्ट, इस रेमेडी में हम कुछ ऑयल्स भी यूज कर रहे हैं और इनमें से फर्स्ट है आमंड ऑयल। जब हम स्किन केयर की बात करते हैं तो कुछ इफेक्टिव और पोटेंट सॉल्यूशन शायद हमें नेचर से ही मिलते हैं। स्किन के लिए यूज होने वाली कुछ नेचुरल ऑयल्स में जो पॉपुलरली जाना जाता है वो है आमंड ऑयल। इस ऑयल को सेंचुरी से यूज किया जाता है स्किन हेल्थ को एनहांस करने के लिए। आमंड ऑयल में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को कई तरह से बेनिफिट करते हैं। इसमें विटामिन ई होता है जो स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है और प्रीमैच्योर एजिंग होने नहीं देता। इसमें विटामिन ए होता है जो बेनिफिशियल होता है ब्रेकआउट और पिंपल्स प्रोन स्किन के लिए। आमंड ऑयल स्किन में मॉइस्चर बैलेंस करता है और वाटर लॉस होने नहीं देता। इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो स्किन बैरियर फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। एडिशनली आमंड ऑयल में लिनोलेइक एसिड होता है जो मॉइस्चर को रिटेन करता है और ये आइडियल होता है ड्राई स्किन टाइप के लिए। आमंड ऑयल में विटामिन ई और अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करते हैं और स्किन एजिंग, फाइन लाइंस और रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम से दूर रखते हैं। और जो दूसरा ऑयल हम इस रेमेडी में यूज कर रहे हैं जो कि इस रेमेडी का लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी इम्पोर्टेंट ऑयल है जिसे सेंचुरी से यूज किया जाता है इसकी रिमार्केबल हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से। इसका यूनिक कॉम्पोजिशन जो रिच है रिसिनोलेइक एसिड में, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होते हैं जो एक्ने और पफिनेस को कम करता है। इस ऑयल के मॉइस्चराइजिंग क्वालिटी स्किन को सॉफ्ट बना के रिंकल्स के अपीयरेंस को कम करता है, सनबर्न को ट्रीट करता है और स्ट्रेच मार्क्स को भी मिटा। कई डर्मेटोलॉजिस्ट कैस्टर ऑयल को रेकमेंड करते हैं स्किन टोन को इवन करने के लिए और स्पॉट्स और ब्लेमिशेस को मिटाने के लिए। इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो स्किन को हाइड्रेट करते हैं। तो इन सारी पावरफुल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम जो रेमेडी बनाने वाले हैं, आप इमेजिन कीजिए कि वो क्या कमाल कर सकता है आपके स्किन के लिए। वेल, चलिए अब इस रेमेडी को बनाते हैं। इसके लिए पहले आपको चाहिए बीटरूट का जूस। यहाँ मैं एक मीडियम साइज बीटरूट ले रही हूँ। पहले आप इसके स्किन को पील करें और इसे क्लीन करें और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें ताकि ब्लेंडिंग में आसानी हो। अब इसका जूस एक्सट्रैक्ट करें। अब इस जूस में मैं अबाउट 70 ml रोज वाटर ले रही हूँ और 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च। अब इन तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें ताकि कॉर्नस्टार्च के लम्स ना। अब इस मिक्सचर को हम मीडियम फ्लेम पे अप्रॉक्सिमेटली 5 मिनट्स तक कुक कर लेंगे। ये ध्यान में रखना होगा कि आप इसे कंटिन्यूसली चलाते कंटिन्यूसली स्टर करना जरूरी है वरना इसके लम्स बन जाएंगे। अब एक दूसरे बोल में आप एक स्पून फ्लैक्स सीड्स ले लें और इसमें अबाउट 1 ग्लास पानी ऐड। अब इसे भी आप थोड़ी देर तक कुक कर लें ताकि एक थिक जेल फ्लैक्सीड जेल को आप जब ये गर्म है तब ही वरना बाद में जेल को एक्सट्रैक्ट करना काफी मुश्किल। जब दोनों ही प्रिपरेशन ठंडे हो जाए तो फ्लैक्सीड जेल को आप इस बीटरूट मिक्स में डाल के अच्छे से मिक्स। उसके बाद इसमें मैं 1 टेबलस्पून आमंड ऑयल और 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल डाल रही हूँ, डाल के इसे फिर से अच्छे से मिक्स।
कर ले। That's it, आपका ये वाइब्रेंट ब्यूटी फेस पैक रेडी है। अब आप इसे लगभग 1 week to 10 days तक फ्रिज में रख के यूज कर सकते हो। इसको लगाना कल को। इस जेल को आप अपने फेस और नेक पर अच्छे से स्प्रेड कर लें और एटलीस्ट 30 मिनट तक अपने चेहरे पे इसे रहने दें। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लें। आप इसे डेली अप्लाई कर सकते हो। इट इज विंटर्स है और विंटर्स में आपकी स्किन को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, इसीलिए मैं लेकर आ रही हूँ विंटर सीरीज, जहाँ आपकी स्किन को पैम्पर करने के लिए मैं कुछ नरिशिंग फेस पैक्स, DIY फेस वॉशेस, बाथ रेमेडीज और भी कुछ वंडरफुल रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ। तो इन रेमेडीज को मिस नहीं करना है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई है तो उसे एक लाइक करना ना भूलें। आप अपने ओपिनियन, सजेशंस और फीडबैक्स मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। अपना ख्याल रखें और अपनी डाइट से जंक को दूर रखें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में एट रीवा फूड्स।